फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसिपोडियम लेमेरी के बारे में। कुछ लोगों के लिए पैसिपोडियम थोड़ी सी नई चीज़ होगी, तो मैं उनको पहले तो पैसिपोडियम के बारे में बता दूँ। तो पैसिपोडियम ग्रीक वर्ड पैचेस एंड पोडियन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है थिक फूटेड, यानी कि मोटे पैर वाला। क्योंकि अभी तो ये प्लांट छोटा है, लेकिन जब ये प्लांट बड़ा होगा तो इसका ट्रंक जो होता है काफ़ी मोटा हो जाता है, इसीलिए इसे पैसिपोडियम यानी कि पैचेस पोडियम यानी कि थिक फूटेड भी बोलते हैं। और पैसिपोडियम एक जीनस नेम है, कोई प्लांट नेम नहीं है। पैसिपोडियम में लगभग 25 से 28 स्पीसीज हैं, जिसमें से ये पैसिपोडियम लेमेरी है। और इसे मेडागास्कर पाम भी बोला जाता है। और देखने में कुछ ये यूफोरिया मिली की तरह लग रहा है, लेकिन यूफोरिया मिली से इसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। हाँ, इसका एडेनियम या फिर प्लूमेरिया से कुछ करीबी है। ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एडेनियम, प्लूमेरिया और ये पैसिपोडियम तीनों एपिसाइनेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यूफोरिया मिली से नहीं, एडेनियम से इसकी कुछ आप करीबी बोल सकते हैं एडेनियम का इसे। और एडेनियम की ही तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी फूड स्टोर होता है इसके ट्रंक में, जो कि इसको जब पानी नहीं मिलता है या फिर किसी कभी आप इसको सैडी एरिया में रख देते हैं तो उसी खाने का उसी पानी का यूज ये अपने आप को सर्वाइव करने में लगाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में आपको पैसिपोडियम जीनस के प्लांट बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, और पैसिपोडियम लेमेरी हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा ईजी टू ग्रो होता है ये। पैसिपोडियम जीनस में जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी प्लांट से थोड़ा सा ईजिली ये प्लांट सर्वाइव कर लेता है हमारे क्लाइमेट में। और ये प्लांट जब लगभग 3 से 4 फीट लंबा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें टॉप पे वाइट कलर के फ्लावर्स भी आएंगे, जिनमें बीनी बीनी सी हल्की सी खुशबू भी होती है। और अब बात कर लेते हैं कुछ इसके केयर एंड टिप्स के बारे में। तो सबसे बात कर लेते हैं उसमें हम सॉइल की। तो सॉइल इसके क्योंकि सकुलेंट है तो इसको वेल ड्रेनेज वाली सॉइल पसंद है। 50% आप इसमें बड़ी वाली सैंड हो या फिर आपके पास परलाइट अवेलेबल हो तो आप उसे मिला दें, बाकी 50% में आप ऑर्गेनिक मैटर मिला दें। तभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और बड़ी मुश्किल से ये प्लांट मुझे मिला है, ये मुझे मेरे फ्रेंड मोहित राजपूत, जिनका चैनल भी है अर्बन गार्डनर करके, तो उन्होंने मुझे सेंड किया। क्योंकि मैं इसको ढूंढ रहा था तो मैंने उनसे जब जिक्र किया इसका तो उन्होंने कहा कि उनको मिल जाएगा ये प्लांट, तो वो परचेस करके मुझे एज अ गिफ्ट भेजा हुआ है उन्होंने। क्योंकि पैसिपोडियम को छोटे साइज का पॉट ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए अभी मैं इसमें इसको इसी पॉट में रहने दे रहा हूँ नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि विंटर में ये चला जाएगा डोरमेंसी में। तो जब नेक्स्ट सीजन आएगा इसका तब उसके बाद मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ पॉटिंग मिक्स, नए पॉटिंग मिक्स के साथ में। तो आपके साथ मैं इसका वीडियो भी शेयर करूँगा। फिलहाल अगर आप अपने पॉट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इस प्लांट के पॉटिंग मिक्स में सैंड पर लाइट ज़्यादा का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रखें, बाकी आप 50% के करीब आप सैंड या पर लाइट यूज़ कर लें। उसके बाद 50% में आप ऑर्गेनिक मैटर जैसे कोको पीट, पीट मॉस या फिर वर्मी कंपोस्ट ये सब मिक्स करके यूज कर सकते हैं। अगर इस प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इस प्लांट को लगभग 5 से 6 घंटे की मिनिमम सनलाइट मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस डिजर्ट का प्लांट है, जितनी ज़्यादा सनलाइट इसे मिलेगी उतना इस प्लांट के लिए अच्छा है। टेम्परेचर की बात की जाए तो थोड़ा सा अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे आपके यहाँ का टेम्परेचर जाता है तो इस प्लांट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ट्रंक गल सकते हैं अगर आप उस टाइम इसको नमी ज़्यादा देते हैं। विंटर सीजन में जब काफ़ी ज़्यादा विंटर होता है यानी कि फ्रॉस्ट वाला टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम इसकी पत्तियाँ बिल्कुल गिर सी जाती हैं, और नेक्स्ट सीजन जैसे ही हल्की हल्की गर्मी शुरू होती है तो फिर से अपने आप पत्तियाँ इसकी उग आती हैं। और अगर हाई टेम्परेचर की बात की है तो ये प्लांट 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। और अगर बात की जाए वाटरिंग की तो समर में आपको इसे नॉर्मल वाटरिंग करनी होगी, बहुत ज़्यादा आप सौगी मत करिए, नॉर्मल वाटरिंग करते रहिए कि पानी हल्की हल्की मॉइस्चर इसके पॉट में बना रहे। लेकिन विंटर में प्लांट चलाता है डोरमेंसी में तो विंटर में आपको जो वाटरिंग है थोड़ी सी कम करनी होगी। एक बार जब आपको लगने लगे कि आपकी सॉइल हल्की हल्की ड्राई हो रही है तभी आप इसको दोबारा वाटरिंग करें। लेकिन थोड़ा सा कई लोग करते क्या है कि जब उनको ये बोला जाता है कि सॉइल हल्की हल्की ड्राई लगने लगे तब आप वाटरिंग करें, तो वो करते क्या है कि बिल्कुल वो ड्राई कर देते हैं और कई बार उनके प्लांट का भी पानी ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। तो ये ना करें, आपको हल्की हल्की सॉइल ड्राई लगने लगे आप पानी दे दिया करें। कोई प्लांट हो उसको आप उसकी सॉइल आप बिल्कुल फुल्ली ड्राई मत किया करें कि बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद प्लांट का भी पानी ख़त्म होने लगे। डिहाइड्रेट मत करें कभी भी आप प्लांट को। एक बार जब आपको लगे कि ऊपरी सरफेस आपको 1 इंच की सरफेस ड्राई फील होने लगे तो उसके बाद आप उसको दोबारा पानी दे दिया करें। अगर बात करें इस प्लांट के प्रोपेगेशन की तो सीड से प्रोपेगेट होता है, जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है तरीका वो सीड से किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें नीचे से ब्रांचेस निकल आती हैं तो उस ब्रांच को भी कट करके आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेट होता है, बहुत रेयर केस में होता है जब प्लांट आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है
तभी इसमें नई नई ब्रांचेस साइड से बहुत कम ही निकलती है, तो आप उसे भी कट करके अलग करके प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ नया उगाने का शौक है, कुछ नए कलेक्शन आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और 2-3 साल के बाद मुझे इसमें फ्लावर्स भी मिलेंगे, तो 2-3 साल के बाद ही मैं इसके फ्लावर्स को आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा नया प्लांट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।